What's up guys, welcome to the brand new video. और last Sunday को मैंने आपको बताया था मेरा प्लान था बाहर जाने का, खाने पीने का, लेकिन वो मेरे दोस्तों ने कैंसिल कर दिया था. एंड बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज रियली अपसेट एंड एंग्री. बट उस बात को एक हफ्ता हो चुका है और आज भी संडे है एंड आज भी मेरा प्लान है बाहर जाने का दूसरे फ्रेंड्स के साथ. एंड आज वो प्लान मैं कैंसिल नहीं होने दूंगा, मुझे निकलना है आधे घंटे में. तो फटाफट रेडी होते हैं, चलते हैं. सुपर एक्साइटेड टू गो टू माई फेवरेट रेस्टोरेंट. डिफरेंट रेस्टोरेंट में ट्राई नहीं करूँगा बिकॉज आज आई नीड गुड फूड. सो आई नीड टू गो टू अ प्लेस जिसका खाना मैंने खाया हुआ है एंड आई नो इट्स अमेजिंग. आज मेरा टी शर्ट पहनने का मन नहीं कर रहा, शर्ट पहनने का मन कर रहा है, लेकिन शर्ट पहनूंगा तो बाहर गर्मी लग सकती है. तो वी हैव अ हाफ शर्ट और मुझे पता भी नहीं था मेरे पास ये है, लेकिन ये आज काम आ जाएगी. और साथ में है लाइट कलर्ड जीन्स. और गाइस जब भी मैं बाहर जाता हूँ आई ऑलवेज फील कि हाथ में घड़ी होनी चाहिए. ऑल्दो आई डू हैव अ वॉच, जी शॉक की वॉच है, बट वो काफ़ी बार पहन ली तो उससे बोर हो गया हूँ. तो आई एम प्लानिंग टू बाई अ स्मार्ट वॉच. तो दिल तो आ रखा है एप्पल वॉच पे, बट आई डोंट नो, मुझे इतनी जानकारी नहीं है स्मार्ट वॉच के बारे में. सो मे बी देखते हैं, थोड़ी रिसर्च करते हैं, कुछ पसंद आया तो ले लेंगे. गाइस पहले मैं सोच रहा था कि कैब से जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा अपनी गाड़ी से ही जाता हूं. और मौसम तो बढ़िया हो रहा है आज, सो गर्मी नहीं लगेगी, सो दैट्स अ गुड थिंग. इतना प्यारा मौसम हो रहा है दिल्ली में, मजाक नहीं कर रहा. व्यू भी, अबे हट बंद हो, व्यू भी एकदम बढ़िया एंड मज़ा आ रहा है यार. आज बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बाहर निकल के इट्स टू गुड. गाइस देख, अबे एक सेकंड, पुलिस है. एक सेकंड भाई, एक सेकंड, कैमरा हाथ में पकड़ूंगा, पुलिस वाले वाट लगा देंगे. गाइस मैंने गाड़ी पार्क कर दी है D3333 पे. हमेशा भूल जाता हूँ कभी भी मॉल में पार्क करता हूँ कि गाड़ी कहाँ पार्क करी है, तो साला वीडियो ही बना लिया. डेढ़ घंटा वेट कराया तूने मेरे को, डेढ़ घंटा वेट कराया. अर्जुन सुन ले, आज ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, बदला लूंगा तेरे से. डेढ़ घंटा वेट करा, डेढ़ घंटा तो तू, मैंने आधा कराया था ना, डेढ़ कराया. तब से अकेला बैठा हूँ मैं, सारे भाई सारे लोग जज कर रहे, ये कह रहे अच्छा आप अकेले आए हो, ये मुझसे टेबल पत्री अकेले आए हो साला. आप बोल दे मैं अकेले आया हूँ, मेरे पास केला भी एक है, अकेले आया हूँ. केला एक ही होता सबके पास भाई, कौन सा आसन भाई. वो ऐसी केव्स है, मैं तेरे को अकेला छोड़ देना, तू आउट ऑफ फियर मर जाएगी. एक देखी इतनी सी हाइट है, खड़ी नहीं हो सकती, तू बैठ जा. ये क्या कर रहा है, ये रो रहा है, ऐसे जम जम करके जा रहा है, बैठा हो रहा है. इसके यहाँ अगर शेड्स थे वो यहाँ से गिरे टूटते टूटते और उसके पैर के नीचे दब गए, टूट गए. वही शक्ल बन गई था. लेकिन कितना बिल है? 2633. अर्जुन पे करो, चलो पापा को लाए हो ना आप. 877 ना, तुमने कुछ तो 377 देना. क्यों भाई? तूने मेरे 500 रुपये देने हैं. कौन से? तू क्या हीरो बने, तू दे दे, तू दे दे. अबे वो कौन सी मूवी थी, जॉन अब्राहम और अक्षय कुमार होते हैं इसमें, वो दोनों डबल डेट पे आते हैं, उनका वॉलेट खो जाता है, फिर वो निकल जाते हैं. वैसे चार चार वो वाइफ होती है उसकी, है ना, एक एयर हॉस्टेस होती है, वो होती है. हाँ गरम मसाला. That's the worst thing about working out after you eat something from outside. इसकी भाई फट जाती है. मेरे को ऐसा लग रहा है पेट में बहुत सारा खाना है मेरे, and I have to do squats. तो it's not a good feeling. बट द गुड थिंग इज आज मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा जिम पार्टनर आया है निक्की. एंड आफ्टर ऑल दीज ईयर्स ऑफ वर्किंग आउट आई कैन फाइनली से मुझे एक ऐसा जिम पार्टनर मिला है हु इज कंसिस्टेंट. दो हफ्ते से मैं देख रहा हूँ रेगुलर आ रहा है. पहले ये रेगुलर नहीं आता था क्योंकि भाई ऑब्वियसली इसकी पढ़ाई वाला सीन होता था. मुझे लगता था कि उस टाइम ये बहाने मार रहा है, बट अब रियलाइज़ हो गया कि ये बहाने नहीं मार रहा था क्योंकि अब ये रेगुलर आ रहा है, क्योंकि अब कोई पढ़ाई का सीन नहीं है.
सो थैंक यू सो मच निक्की भाई, आई होप तू मेरा साथ देगा ऐसे जिम में हमेशा, चाहे और कोई आया ना है, बसरा त्यागी तेरा भाई आया ना है, हम दोनों कंसिस्टेंट रहेंगे। कसम खा रहा है, कसम खाओ कैमरा, कैमरे की कसम, नहीं कैमरे में के सामने कसम, कह रहा हूँ मेरी कसम मत खा कर, बोला मैंने मेरी कसम मत खा कर, कसम चलो जिम में कह रहा हूँ। और अगर निक्की रेगुलर आता है तो मैं कसम खाता हूँ कि इसको मैं पतला करके दिखाऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है भाई। यो यो मेरे जिगर के, मैं आपको मैं आप यो यो मेरे जिगर के आगे यो यो जिगर के छल्लो छल्लो नहीं दल्लो दल्लो चल 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 पाँच हो गए बढ़िया सात चल 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 तीन और सॉरी आठ मारने लास्ट 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 मार बन चला बहुत बढ़िया नाइस नाइस चल गाने कौन सा गाना लगा रहा है रेडियो एक्टिव इमेजिन ड्रैगन्स फेवरेट गाना तेरा शाबाश आराम से भाई तो क्या कर रहा है आराम से आराम से आराम से कर 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 पाँच पाँच करने दो शाबाश शाबाश क्यूट तो है भाई तू वैसे क्यूट तो है तू ये बात तो माननी पड़ेगी भाई। गाइस मैं घर आया ठीक है काफ़ी अच्छे मूड में था बाहर गया था आज खाया पिया फिर जिम भी थोड़ी फटी लेकिन कर लिया तो मूड बढ़िया था। तो जैसे ही मैं घर घुसा तो ये बंदा मुझे दिख गया यहाँ पे और जब भी ये बंदा मास्क उतारना भाई देखने थे लोगों को इतना फेमस है नहीं तो वैसे इसलिए मास्क उतारना पड़ेगा तेरे को ताकि लोग पहचान पाए। तो ये बंदा जब भी आता है तो मुझे वो दिन याद आ जाता है जब इसने मुझे सड़ी हुई चाय और मैगी खिलाई थी। इस बार आप देख सकते हो बाल इसके और बड़े हो गए हैं तो अभी जो ये स्टाइल कर रहा है आप देख सकते हो यहाँ से साइड से छोटे कर रहा है और ये बढ़ा रहा है तो फुल मालामाल वीकली का बाजे बनने की इसकी पूरी कोशिश है। बाजे जिन जिनको पता है नीचे कमेंट करके बता देना आपको पता है बाजे कौन है भाई स्मार्ट था ऐसे दिक्कत वाली बात है बट ये स्टाइल है ऐसे ये वाले बड़े ये वाले छोटे थोड़ा यार ये ऐसे लट आती है तो फूक मार के ऊपर करिए ये होता है असली स्टाइल ये है। ये वो सड़क सीधी सड़क थोड़ी भगाते हैं साला वाइजर खोला हुआ था हेलमेट का आंख में मिट्टी सी चली गई मैंने जैसी भगाई आंख में मिट्टी वो चला गया कंकड़ वीली अभी तो छोटा है वरना सिखाता तेरे को मैं अबे यार मैं मार तो लूंगा वीली पर तेरे पे ना अच्छा इम्पैक्ट नहीं बनेगा क्योंकि मैं बड़ा भाई हूँ ना यार मैं तेरा बड़ा भाई हूँ मैं करूँगा तो मेरे को देख के तू भी करेगा अबे समझा कर भाई मैं कर देता बता वरना मेरे को आती है पूरे अच्छे से आती है बट तेरे पे गलत इम्पैक्ट नहीं बनना चाहिए। अब कल को पता है तू वीली मारेगा ना पहली बात तो तू मार नहीं पाएगा गिर जाएगा पर अगर तू मारेगा ना घर वाले बोलेंगे कि मोहित ने सिखाया तो मैं क्यों भाई बुरा बनूँ समझ रहे मेरी बात मेरे साथ चलाएगा तो आराम से चलाएंगे भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे को बहुत स्टंट्स आते हैं मैं तेरे सामने नहीं कर रहा बस भाई तेरे सामने नहीं कर रहा समझा कर बर्न आउट तो सारे बच्चे मारते हैं बर्न आउट करके मैं अपनी बेइज्जती करवाऊँ आगे गिर भी ब्रेक मारो और रेस दे दो बर्न आउट में क्या अब टायर खराब हो जाएगी ग्रिप खराब हो जाएगी टायर की समझा कर बात को राइट ले ले स्टंट वरना बहुत आते तेरे भाई को स्टंट भी नहीं मैं आता एक बार। हाँ भाई आ गया मजा घुमा दिया तेरे को रेस लगाई थी ना हार के ना रेस कोई नहीं लगाई अब बेटे इतना विकास पर ही घुमा दिया ना तेरे को रास्ते याद होएंगे रेस लगाई थी डाल देना ब्लॉग आज के बाद बोल दियो कि बड़े भाई ने घुमाया नहीं कभी ब्लॉग में डालता ना हार के ठीक है रेस नहीं लगाता भाई मैं आपने रेस लगाई और अगर मैं रेस लगाने पे आ गया ना फाड़ के रख दूंगा सच्चा यूट्यूबर वो तो बिल्कुल भी नहीं हूं सॉरी मैन आई वेंट फ्रॉम अ बैग टू अ बैग टू अ बैग आई रिमेंबर मी एंड मामा यूज्ड टू राइड द कैब Pull up at the lot, no more lease, we pay cash. Show up to a crib, hand the keys to a jack. That's that light work,
flexing so much it hurt. Used to rock hand-me-downs, now Versace down my shirt. I remember them days, we couldn't wait for the first. Finally made me a meal, now we eating off the verse.